Very good morning, class. Now today we will continue. Our topic is kinds of pronouns. Pronouns अपन topic continue करते थे अपना. इसमें हमने kinds two kinds discuss किए थे. आगे के next kind discuss करेंगे हम next three and fourth. Okay? Topic write down करेंगे pronouns. Kinds of pronouns. Kinds of pronouns. नेक्स्ट थर्ड काइंड है हमारा. फर्स्ट हमने डिस्कस किया था डेमोन्स्ट्रेटिव एंड सेकंड इज इंटरोगेटिव. नेक्स्ट सेकंड थर्ड आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव. DEMONS TRATIVE डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. कौन सा प्रोनाउन आएगा हमारा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Demonstrative pronouns. Right definition is the pronouns that point out something are called called demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns. Example is this, that, these. And those. ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के क्या है? एग्जाम्पल है. क्या है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के? एग्जाम्पल. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेफिनेशन इज द प्रोनाउन्स दैट पॉइंट आउट समथिंग आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव. मतलब दिस दैट दीज दोज वो क्या होते हैं? दिस और दैट मतलब दिस और दीज मतलब पास की चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं? दिस और दीज का यूज करेंगे. दूर की चीज के लिए दैट और दोज का यूज करेंगे. तो हमें जहां पर भी ये दिखते हैं ये कौन सा प्रोनाउन होगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. नेक्स्ट है फोर्थ नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन is the pronouns that are used to receive an action are called reflexive pronoun. Reflexive pronouns. Definition is the pronouns that are used to receive an action are called reflexive pronoun. Example is myself, yourself, ourselves, themselves, itself, etc. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के. माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ का क्या होगा? प्यूरल हो जाएगा आवर सेल्फ. क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ. सेकेंड में योर सेल्फ है, सिंगुलर है, योर सेल्फ हो जाएगा. क्या हो जाएगा? योर सेल्फ. प्यूरल में अगर अपन चेंज करते हैं. थर्ड है हिमसेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ. तो उनके लिए क्या लगेगा? तीनों के लिए देम सेल्फ लगेगा. क्या लगेगा? Themselves. अगर इस तरीके की कंडीशन कहीं आपको दिखती है
तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम इसकी एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज देखेंगे हम प्रोनाउन्स की। क्या है प्रोनाउन्स की? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आई एंड टी डबल आर ओ इंटरोगेटिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फर्स्ट इज डैश इज दो गर्ल डूइंग, डैश इज द गर्ल डूइंग। क्वेश्चन मार्क्स ही हम समझ रहे हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसमें देखना है, हाँ तो हमें व्हाट का यूज करना है, व्हिच का यूज करना है, वेयर का यूज करना है, तो हमें क्या यूज करना है? प्रॉपर व्हाट इज गर्ल डूइंग, व्हाट इज गर्ल डूइंग, लड़की क्या कर रही है? क्वेश्चन मार्क का साइन, लड़की क्या कर रही है? व्हाट इज द गर्ल डूइंग? ओके, नेक्स्ट इज सेकंड, डैश इज माय हाउस, डैश इज माय, डेमोस्ट्रेटिव मतलब दिस दैट दीज दोस, एंड इंटरोगेटिव व्हिच व्हाट वेयर हु, ये क्या है हमारे? इंटरोगेटिव है। तो लास्ट फर्स्ट में हमने व्हाट इज द गर्ल डूइंग, लड़की क्या कर रही है, डैश इज माय हाउस, तो हम इसके लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, दिस इज माय हाउस, यह घर मेरा है। थर्ड इज डैश इज आर यू गोइंग, डैश इज आर यू गोइंग, डैश इज आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, हम पूछते तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो हम क्या फील करेंगे यहाँ, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। फोर्थ इज शी, हू इज शी, वह कौन है, हू इज शी, मतलब हम पूछते हमको नहीं पता होता हू इज शी, वह कौन है, तो हू इज शी, हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, डेमोस इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क का साइन है। डैश आर माय बुक्स, डैश आर माय बुक्स, दीज और दोज का यूज पढ़ा था हमने, दीज मतलब पास की चीज के लिए और दोज मतलब दूर की चीज के लिए, तो दीज आर माय बुक्स, कौन से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया हमने, दीज का, दीज आर माय बुक, ये बुक्स क्या है, मेरी है। नेक्स्ट सिक्स नंबर इज, नेक्स्ट आएगा हमारा डैश आर शाइनी स्टार्स, डैश आर शाइनी स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमसे दूर होते हैं, तो दूर के लिए हमें पता है कौन से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करना है, दोज का, दोज आर शाइनी स्टार्स, दोज आर शाइनी स्टार्स। नेक्स्ट सेवन नंबर इज डैश इज रीडिंग अ बुक, डैश इज रीडिंग अ बुक, डैश इज रीडिंग अ बुक, हु इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग कौन कर रहा है, हु इज रीडिंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन। तो हमने सेवन सेंटेंस देखे हमने प्रोनाउंस के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और एक्सरसाइज आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, जो आए आपको, जो आप करने की कोशिश करना, नहीं होगी तो जो अपने स्कूल ओपन होंगे तब हम इनकी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ये एक्सरसाइज आपको आपकी नोटबुक में करनी है और काइंड्स भी आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू, बाय बाय।